जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। अनजाने में ही सही हमसे वह गलतियां हो जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हम उस व्यक्ति को गलत मान लेते हैं जो गलत था ही नहीं, और उस व्यक्ति को हम अपनी ज़िंदगी का सबसे सही व्यक्ति मानते हैं जो हमारे लिए हमेशा से गलत रहा हो, और ये गलतियों का परिणाम हमें कुछ समय बाद अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हम कुछ गलती करते हैं अनजाने में हुई भूल के ही सही, हमें सजा तो भोगनी ही होती है। इसलिए कई बार हम परेशान रहते हैं अपने रिश्तों की में आपसी खटास से परेशान रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कलह से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी को बांध दिया जाता है, हमारी दुकान, हमारी शॉप या हमारा बिजनेस जो भी है वहाँ बांध दिया जाता है कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो हमसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, और हम जो कमाना चाहते हैं जितनी मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता ही नहीं है। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उसे उसका प्रतिफल बिल्कुल नहीं मिलता। यदि आप भी ऐसी कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आज मैं बहुत ही सटीक उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय है। सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। हमारे देखा जाए तो आप बच्चों को सिखाते ही होंगे कि सर्वप्रथम आपका जो गुरु होता है वह आपकी माता होती है, और जो माता पिता का सम्मान करता है उसे ज़िंदगी में कभी हार नहीं सहना पड़ता। हार होते होते भी आपकी जीत हो जाती है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने वरिष्ठ का सम्मान करता है। और उसके बाद जिस भी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है किसी भी क्षेत्र में, कैसे भी, चाहे वह हमसे छोटा ही सही लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारा गुरु कहलाएगा, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। यदि छोटा है वह हमसे तो उसे अप्रिशिएट अवश्य करना चाहिए, उसकी प्रशंसा अवश्य करना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार होता यह है कि हमें हमसे छोटा व्यक्ति कुछ बताता है और अच्छे के लिए बोलता है, और हम वहाँ उसे कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो उसके दिल को लग जाती है। बस यही गलती हमारे आगे की भविष्य को अंधेरे में ला सकती है। दोस्तों, जो गुरुवार का दिन होता है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, उस दिन यदि हम अपनी गलतियों के लिए, अनजानी गलतियों के लिए भगवान बृहस्पति देव से क्षमा मांगते हैं तो हमारी जो भी गलतियां हुई भी हों तो हमें उसकी क्षमा अवश्य प्राप्त हो जाती है। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें कर हम अपने जीवन में यदि चल रहा है, कोई परेशानी में है हम, वह हमारी दूर हो सकती है। हमें करना यह है कि 21 गठान हल्दी की ले लें। हल्दी की गठाने पूरी साबुत होना चाहिए, भले ही वह छोटी हो लेकिन साबुत होना चाहिए। आप 21 गठाने किसी भी किराने की दुकान पर से ले आएं और उन्हें आप सुबह जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में लेके बैठ जाएं और एक पीला रंग का सूती धागा ले लें, और साथ साथ गठान की ढेरी बनाकर जोड़कर आपस में रखकर उन्हें बांध लीजिए, धागे से लपेट लीजिए। पीले रंग के धागे से ही लपेटना है आपको। सर्वप्रथम तो आप जब स्नान करें तो आप नियम बना लीजिए कि बृहस्पतिवार को जब भी आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि कहते हैं सिर्फ चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करने से आपका सोया भाग्य जाग जाता है, किस्मत बदल जाती है। इतना सरल उपाय और हम अपने भविष्य को अंधकार में जाने से बचा सकते हैं, अवश्य करना चाहिए। आप जो गठान, सात सात गठान तीन जगह आपने कर ली, उसके बाद सात सात गठान को अलग अलग धागे से तीन जगह बांध लीजिए। जो भी आप अपनी रूटीन की पूजन, नियमित पूजन करते हैं करें, लेकिन भगवान विष्णुदेव के और माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको यह तीनों गठाने समर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही करना है अभी आपको ये उपाय। और उसके बाद आप जब भी शाम तक आपको समय मिले, गुरुवार के दिन जब भी आपको शाम तक समय मिले, जब भी आप मंदिर जाएं, इन तीनों गठानों को उठाकर ले जाएं। आप ये कार्य आपको मंदिर में ही करना है जहाँ विष्णु जी का मंदिर हो,
उन विष्णु जी के मंदिर में आप एक गठान की जो बनाई है आपने, वह विष्णु जी के मंदिर में समर्पित करी आए। वहाँ अपने मन की जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी समस्या है, जो भी अपने मन की बात आप वहाँ बोलें, हाथ जोड़कर विनती करें। एक जो गठान का दूसरा जो है वो आपको केले के वृक्ष के नीचे, लेकिन ये कोई मंदिर प्रांगण में ही होना चाहिए। कहीं भी यदि केले का वृक्ष लगा है तो आप वहाँ समर्पित नहीं कर सकते हैं। केले का पौधा अधिकांश मंदिर में होता ही है, आप उनके नीचे समर्पित कर दीजिए और वहाँ भी अपनी विनती कीजिए। अब जो भी आपकी समस्या है उन समस्या को वृक्ष में रख, जब आप हल्दी की गठानों का वह चढ़ाएं तो अपनी मन की समस्या की बात कीजिए। और तीसरी गठान आपको पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ानी है, तभी भी आप अपनी समस्याओं को बोलिए और घर आ जाइए। बस इतना ही करना है। अब देखना अगला गुरुवार जब तक आएगा उस समय तक आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं, और आप एक ही समस्या नहीं बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी भगवान से, जिसमें धन संबंधी समस्या आप जब भी विनती करते हैं, बहुत ही जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपको पता नहीं चलेगा, ये नहीं है कि आपको कोई आके धन दे जाएगा, लेकिन आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं वह सफल होने लगेगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होने लगेगा। हो सकता है कोई नया कार्य करने का आपके पास आइडिया आ जाए, आपके दिमाग में नई नई अच्छी अच्छी बातें आने लगेंगी। कहते हैं कि जो बृहस्पति बार को केले के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में और भगवान विष्णु की पूजन करता है, उसका जीवन कभी धन से रहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि स्वयं धन के देवता हैं, और जब आप पर कृपा करते हैं तो आपको आपके घर धन के भंडार भर देते हैं, आपके यहाँ धन की कमी हो ही नहीं सकती। पीपल के नीचे भी कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी का और माँ लक्ष्मी का गुरुवार के दिन वास होता है। आप उनके नीचे जब उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, यह भी मंदिर प्रांगण में ही होना चाहिए, कहीं अन्य जगह पर आपको समर्पित नहीं करना है। आप जब ये हल्दी की गठाने समर्पित करके विनती करते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी जैसी भी समस्या हो, जो भी समस्या के लिए आप भगवान के आगे विनती कर रहे हैं, वो समस्या को दूर कर देते हैं। साथ ही जब केले के वृक्ष का तो इतना कहा जाता है कि गुरुवार के दिन जब महिलाएं व्रत करती हैं गुरुवार का, और केले की वृक्ष का या पौधे का पूजन करती हैं, तुम पर भगवान श्री हरि स्वयं कृपा बरसाते हैं और माँ लक्ष्मी भंडारे भर देती है। आप जब हल्दी की गठाने समर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी अवश्य आपके घर स्थिर होकर निवास करने लगेंगी, और श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर में आप जब हल्दी के गठाने समर्पित करते हुए आप अपने मन की अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो आपकी अर्जी बिना पूरी हुए रह ही नहीं सकती। कर देखें, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं आप। आपको समय का कोई बंधन नहीं है, बस महिला हैं आप और यदि करना चाहते हैं तो मासिक धर्म में नहीं होना चाहिए। आप यदि इस गुरुवार को कोई परेशानी में चल रहे हों, स्वास्थ्य खराब है या मासिक धर्म की समस्या है या किसी कारण से आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप अगले गुरुवार कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार कर सकते हैं। कोई शुक्ल पक्ष, कोई कृष्ण पक्ष, इसका बंधन नहीं है, बस होना गुरुवार को ही है। और यह वृक्षों का ध्यान रखना है कि मंदिर प्रांगण में ही होना चाहिए, कहीं भी लगे हुए वृक्षों के नीचे आपको ये कार्य नहीं करना है। क्योंकि जो मंदिरों में वृक्ष लगे होते हैं उसका एक कारण होता है कि उसमें सभी लोग, अधिकांश लोग मंदिर में पूजन करने आते हैं, और जैसे जैसे उन वृक्षों के पूजन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे वह ज़्यादा पूज्य हो जाते हैं, देव योग उनमें बढ़ जाते हैं। और जब आप उनके नीचे, उस वृक्ष के नीचे खड़े होके, उनके छाया में खड़े होके विनती करते हैं, कोई अर्जी लगाते हैं, आपकी वह अर्जी कभी खाली जा ही नहीं सकती। करके देखिए, बहुत ही छोटा सा और करने योग्य उपाय है, करके देखिए, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।